हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मुकुल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डॉक्टर मुकुल मेडी एकेडमी। फ्रेंड्स, हम अपने लोअर लिम मसल्स एनाटॉमी सीरीज में लोअर लेग की मसल्स के बारे में पढ़ रहे हैं और लोअर लेग में भी एंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। और हमने अपनी लास्ट वीडियो में लोअर लेग के एंटीरियर कंपार्टमेंट की एक मसल एक्सटेंसा हेलुसिस लॉन्गस के बारे में आपको बताया था। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एंटीरियर कंपार्टमेंट की एक और मसल्स, कौन सी? पेरोनियस टर्सियस। कौन सी? पेरोनियस टर्सियस, या फिर आप उसको फिबुलारिस टर्सियस भी कह सकते हैं, के बारे में बात करेंगे और जानेंगे उसके ओरिजिन, इंसर्शन, एक्शन, नर्व सप्लाई के बारे में, उसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन और साथ के साथ उसका वो कंडीशंस जहां उसका होता है इन्वॉल्वमेंट, यानी उसकी अप्लाइड कंडीशंस के बारे में भी बात करेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हमें मालूम है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। तो चलिए, ज्यादा समय ना गवाते हुए शुरू करते हैं इस मसल्स को और जानते हैं इसका इंट्रोडक्शन, ओरिजिन, इंसर्शन, एक्शन, नर्व सप्लाई और इसकी ब्लड सप्लाई के साथ साथ अप्लाइड कंडीशंस भी। पेरोनियस टर्सियस, पेरोनियस टर्सियस एक लैटिन टर्म है जहां पे पेरोनियस का मतलब फिबुला है और टर्सियस का मतलब थर्ड, यानी थर्ड मसल ऑफ फिबुला। कौन सी? पेरोनियस टर्सियस या आपकी फिबुलारिस टर्सियस, इसीलिए उसको फिबुलारिस भी कहते हैं। ठीक है, पेरोनियस टर्सियस को फिबुलारिस कहते हैं और वो थर्ड मसल्स मैंने अभी आपको बताया था। थर्ड मसल्स मतलब तीन मसल जो फिबुला की हैं उसमें से एक मसल है आपकी पेरोनियस टर्सियस। तो बाकी की दो मसल्स कौन सी हैं? वो हैं आपकी पेरोनियस लॉन्गस और पेरोनियस ब्रीविस, यानी फिबुलारिस लॉन्गस और फिबुलारिस ब्रीविस। और इन दोनों मसल्स को हम पढ़ेंगे इस हमारे लोअर लेग के लेटरल कंपार्टमेंट में। ये मसल है पेरोनियस टर्सियस आपके एंटीरियर कंपार्टमेंट में। इस बात का ध्यान रखिएगा, पेरोनियस टर्सियस आपके एंटीरियर कंपार्टमेंट की है, पेरोनियस लॉन्गस और पेरोनियस ब्रीविस यानी फिबुलारिस लॉन्गस और फिबुलारिस ब्रीविस आपके लोअर लेग के लेटरल कंपार्टमेंट की मसल है। ठीक है, पेरोनियस टर्सियस एक मोस्ट सुपरफिशियल मसल है आपके एंटीरियर कंपार्टमेंट की और पेरोनियस टर्सियस जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डॉर्सिफ्लेक्शन में। डॉर्सिफ्लेक्शन मूवमेंट किस किस के, कौन कौन सी मसल्स कर रही थी? आपके एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, एक्सटेंसर हेलिसिस लॉन्गस और आपके टिबियालिस एंटीरियर। इसलिए पेरोनियस टर्सियस इन तीनों मसल्स के साथ मिलकर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, किसमें? आपके डॉर्सिफ्लेक्शन मूवमेंट में। चलिए तो अब बात कर लेते हैं इसके ओरिजिन और इसके इंसर्शन के बारे में। तो देखिए, आपके पेरोनियस टर्सियस का ओरिजिन होता है, ये ओरिजिनेट होती है मीडियल सरफेस ऑफ फिबुला डिस्टल थर्ड से, इंट्रोसियस मेम्ब्रेन से और एंटीरियर सेप्टम, इंट्रामस्कुलर सेप्टम से ये ओरिजिनेट होगी और ये इंसर्ट होगी आपके डॉर्सल सरफेस ऑफ द बेस ऑफ फिफ्थ मेटाटार्सल बोन पे। ठीक है, कहां से ओरिजिनेट हो रही है? आपके मीडियल थर्ड, मीडियल सरफेस ऑफ द फिबुला से। मैंने कहा ना फिबुलारिस इसका ओरिजिन पॉइंट आएगा, क्योंकि नाम क्या है इसका? फिबुलारिस टर्सियस या पेरोनियस टर्सियस। तो फिबुला से ओरिजिनेट हो रही है, कहां से? मीडियल सरफेस ऑफ द फिबुला, आपके डिस्टल थर्ड से ये ओरिजिनेट होगी, इंट्रोसियस मेम्ब्रेन से ओरिजिनेट होगी, एंटीरियर इंट्रामस्कुलर सेप्टम से ये ओरिजिनेट होगी और इंसर्ट कहां पे होगी? डॉर्सल सरफेस ऑफ द बेस ऑफ फिफ्थ मेटाटार्सल बोन पे ये इंसर्ट होगी। इसका एक्शन होगा, ये फुट का डॉर्सिफ्लेक्शन करेगी और फुट का इवर्जन करेगी। मैंने अभी आपको पहले ही बताया था इस मसल्स के इंट्रोडक्शन में कि एक्सटेंसा डिजिटोरम लॉन्गस, टिबियालिस एंटीरियर और एक्सटेंसा हॉलिसिस लॉन्गस के साथ मिलकर ये मसल्स डॉर्सिफ्लेक्शन मूवमेंट में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो क्या करेगी ये? ये फुट का डॉर्सिफ्लेक्शन करेगी और फुट का इवर्जन करेगी। तो चलिए अब जान लेते हैं इसकी नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई भी। तो इसकी नर्व सप्लाई होगी डीप फिबुलर नर्व L5S1 और इसकी ब्लड सप्लाई होगी एंटीरियर टिबियल आर्टरी। तो चलिए जान लेते हैं अब इसकी अप्लाइड कंडीशंस के बारे में। अप्लाइड कंडीशंस यानी जहां होता है इस मसल्स का इन्वॉल्वमेंट। देखिए, हम यहां पे इन कंडीशंस की डिटेल में नहीं जाएंगे, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं कि ये मसल्स, ये कौन कौन सी कंडीशन है जहां पर इस मसल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो पेरोनियस टर्सियस का इन्वॉल्वमेंट होता है पेरोनियस टर्सियस स्ट्रेन में, इसका इन्वॉल्वमेंट होगा। बहुत कॉमन कंडीशन है, ओवर यूज एक्टिविटी या सडन मूवमेंट की वजह से जब इंजरीज होती है तब ये प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा आपके टेंडनाइटिस में इसका इन्वॉल्वमेंट होगा, इसके अलावा आपके एंकल स्पेन में इसका इन्वॉल्वमेंट होगा, साथ के साथ इसका इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा आपको
फ्रैक्चर ऑफ फिफ्थ मेटाटार्सल बोन की कंडीशन में भी, ठीक है। अगर आपको पेरोनियस टर्सियस को लेकर अभी भी कोई डाउट या कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके हर कमेंट का जवाब देता हूं और ये बात मैं आपको अपनी हर वीडियो में कहता हूं, ठीक है। अब मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में एक और मसल्स के साथ, पर अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फौरन जाके लाइक करिए, और अपने ग्रुप में जो लोग मसल्स के बारे में पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उन तक हमारी इन वीडियोस को शेयर करिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।